मैंने कहा था ये प्रोजेक्ट इरिवर्सिबल लॉस है, अपूर्णीय क्षति है, इसको रोक दीजिए। इसके बाद में फिर आया रणी गांव का हादसा, तब भी मैं आई और मैंने ये कहा कि देखिए ये रणी गांव का हादसा इंगित कर रहा है कि जोशीमठ में कुछ ना हो जाए। विकास और विनाश ये दोनों साथ नहीं चलेंगे, विकास और आस्था ये दोनों साथ चलेंगे, विकास और मानव जीवन ये दोनों साथ चलेंगे, विकास और पर्यावरण और प्रकृति ये दोनों साथ चलेंगे। जोशीमठ पर बहुत खतरे आए हैं और जोशीमठ सब खतरों को पार किया, इसको भी पार करेगा। मैं सोनिया जी से अपील करूंगी कि वो अपनी पार्टी के लोगों को समझा दें कि अभी यहाँ पर ये ब्लेम का खेल ना खेलें, दोनों मिल करके अभी इसमें लग जाएं कि जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको ठीक से कैसे रखा जाए। अब आ रही है तीसरी बात कि ये हुआ क्यों है, हुआ क्यों है में एक्सपर्ट आ गए हैं, PMO के एक्सपर्ट आ गए हैं, पर्यावरण के एक्सपर्ट आ गए हैं, जल संसाधन के एक्सपर्ट आ गए हैं, वो एक निष्कर्ष पर आएंगे। लेकिन मुझे NTPC के बारे में बताना चाहती हूँ कि मैंने खुद इस प्रोजेक्ट के खिलाफ एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में, वो दिया है 2017 में, जिस पर पर्यावरण मंत्रालय और जल अपने क्या बोलते हैं ऊर्जा मंत्रालय ने सहमति नहीं दी, क्योंकि तीनों उन दोनों मंत्रालयों की सहमति चाहिए थी। मैंने कहा था ये प्रोजेक्ट इरिवर्सिबल लॉस है, अपूर्णीय क्षति है, इसको रोक दीजिए। इसके बाद में फिर आया रणी गांव का हादसा, तब भी मैं आई और मैंने ये कहा कि देखिए ये रणी गांव का हादसा इंगित कर रहा है कि जोशीमठ में कुछ ना हो जाए, इसलिए इसको रोक दीजिए। तब मुझे कहा गया कि आपकी बात जो एफिडेविट में गई थी वो कुछ दिनों चली और PMO ने भी फटकार लगाई यहाँ के अधिकारियों को, मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय भी संवेदनशील रहा कि ये प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, और PMO के मिनट्स ऑफ मीटिंग है जिसमें उन्होंने फटकार लगाई कि तुम लोग क्यों पागल हुए जा रहे हो, इस प्रकार से क्यों गंगा को क्यों नहीं बचने देना चाहते हो। तब जोशीमठ के संकट की बात नहीं थी, उसके बावजूद एक नई एक्सपर्ट कमेटी आ गई और उसने कह दिया कि 50% तक जो प्रोजेक्ट बन चुके हैं उनको कंप्लीट होने दो, तो उसमें ये प्रोजेक्ट आ गया। और जब उसमें ये प्रोजेक्ट आ गया तो अब ये जो स्थिति बनी है उसमें उस प्रोजेक्ट की कितनी भूमिका है ये एक्सपर्ट के बोले बगैर मैं नहीं बोलूँगी, जब तक वो नहीं बोलेंगे तब तक नहीं बोलूँगी। और मैं मीडिया जनों से बहुत अभिनंदन करूँगी कि आप इस बहस को चलाए रखिए, इस बहस को चलाए रखिए प्लीज़, कि विकास और विनाश ये दोनों साथ नहीं चलेंगे, विकास और आस्था ये दोनों साथ चलेंगे, विकास और मानव जीवन ये दोनों साथ चलेंगे, विकास और पर्यावरण और प्रकृति ये दोनों साथ चलेंगे, लेकिन विकास और विनाश साथ नहीं चलेंगे। आप चलने दीजिए इस डिबेट को पूरी मीडिया आपको पर। मानना है कि जोशीमठ खतरे में है? जोशीमठ पर बहुत खतरे आए हैं और जोशीमठ सब खतरों को पार किया, इसको भी पार करेगा। पुष्कर धामी जैसा मुख्यमंत्री है, वो बहुत ही ऋषि मुनि जैसा मुख्यमंत्री है उनके होते हुए, और मोदी जैसे महायोगी जो हिमालय से ही आशीर्वाद लेके गए उनके होते हुए, जोशीमठ पर संकट मंडराएगा लेकिन संकट के बादल हटा दिए जाएंगे।